स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर श्वेता पटेल फ्रॉम क्रॉसफिट गर्ल्स कॉलेज. स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फर्स्ट पोएम फ्रॉम दिस बुक, द रूट नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ये पोएम है जीवन और करियर में उन चॉइसेस को करने के लिए जो हम अपने जीवन में करते हैं राइट टाइम पे, और वही हमारे फ्यूचर को निर्धारित करते हैं या आकार देते हैं. तो इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बार एक येलो वुड यहाँ पे फर्स्ट लाइन में देखिए लिखा हुआ है. इसका मतलब होता है पतझड़ के मौसम में जब फॉरेस्ट येलो यानी उसकी सारी पत्तियाँ पीली हो जाती हैं. वुड मींस फॉरेस्ट. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बार जंगल में घूम रहे थे और उन्हें वो एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पर उन्हें दो रास्ते दिखाई दे रहे थे और दोनों ही उतने ही आकर्षक थे, उतने ही सुंदर थे. दोनों पर चलने का मन था रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, लेकिन क्योंकि वो अकेले थे इसलिए वो एक रास्ते पर एक ही रास्ते पर जा सकते थे. टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ. तो चलिए अब इस पोएम को समझते हैं. तो वन डे द पोएट वॉज वॉकिंग थ्रू अ येलो फॉरेस्ट. येलो फॉरेस्ट पतझड़ के मौसम में जब जंगल सूख जाता है, पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, उस मौसम को यहाँ पर बताया गया है. एंड ही केम टू अ स्पॉट वेयर द रोड वॉज डिवाइडेड इंटू टू डिफरेंट डिरेक्शंस. डाइवर्ज्ड मीन्स डिवाइडेड इंटू टू डिफरेंट डिरेक्शन. एंड ही स्टूड एंड लुक्ड एट द टू रोड्स. बोथ ऑफ देम वर लुक्ड इक्वली अट्रैक्टिव टू द पोएट. तो कभी पतझड़ के मौसम में फॉरेस्ट में जा रहा था, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड. तो उसे एक जगह पर दो रास्ते दिखाई दिए जो दो अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. कभी सॉरी फील करता है क्योंकि वो अकेला ट्रैवलर था और दो रास्तों पर एक साथ नहीं जा सकता था. लॉन्ग आई स्टूड. कभी वहाँ पर काफ़ी देर तक खड़ा रहा और सोचता रहा. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड. और कभी वहीं से खड़े होकर के जहाँ तक उसकी नज़र जा सकती थी रास्ते को निहारता रहा. टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ. और रास्ता जो था वो बेंट हो गया यानी मुड़ गया और अंडरग्रोथ यानी घने जंगलों में खो गया. वहाँ तक कवि की नज़र जा रही थी और कवि खड़े होकर रास्ते को निहारता रहा. लेट अस स्टार्ट विद द सेकेंड स्टैंजा. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. फेयर मीन्स होता है अट्रैक्टिव. परहैप्स मीन्स शायद. क्लेम मीन्स दावा करना, प्रॉमिस. वॉन्टेड वियर मीन्स होता है प्रयोग नहीं की गई. तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस स्टैंडर्ड. तब देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर. तब कवि ने उस एक रास्ते को चुना जो दूसरे रास्ते जस्ट एज फेयर, जो दूसरे रास्ते जितना ही सुंदर और आकर्षक था. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. और कवि कहता है कि शायद, परहैप्स शायद वह ज़्यादा बेहतर था क्योंकि बिकॉज इट वॉज़ ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर. बिकॉज वो ज़्यादा ग्रासी यानी कम उपयोग किया गया रास्ता था. और तब कवि उस रोड को चुनता है. दो एज फॉर दैट पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. कवि कहता है कि उसने वो रास्ता चुना जो ग्रासी था यानी ज़्यादा एडवेंचरस था, ज़्यादा टफ रास्ता था. उस रास्ते को वो चुनता है क्योंकि कवि को लगता है कि उस पर ज़्यादा चुनौतियाँ थी उस रास्ते में पर चलने में. नाउ स्टार्ट द लेट अस रीड द थर्ड स्टैंजा ऑफ दिस पोएम. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स. नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक. ले
इन लीव्स मीन्स रास्ते में पत्तियों से ढका हुआ. एंड ट्रॉडन ब्लैक मीन्स होता है पैरों से रौंदी हुई. एंड डाउटेड मीन्स होता है संदेह. तो पोएट कहता है कि सुबह सुबह जब वो उस रास्ते पे गया एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव, दोनों ही रास्ते पत्तियों से ढके हुए थे. नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और दोनों ही रास्तों पर पत्तियां बिखरी हुई थी, पत्तियों से ढके हुई थी, और ऐसा लग रहा था कि दोनों ही रास्तों पर कोई भी नहीं गुजरा था. ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे. पोएट कहता है कि उसने एक रास्ता चुना और दूसरे रास्ते को उसने अनदर डे यानी फिर कभी वहाँ वो जाएगा ऐसा उसने सोचा. येट नोइंग हाउ वेज लीड ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक. तो पोएट ये भी जानता था कि जिस रास्ते को उसने आज के लिए नहीं चुना है उसके लिए उस रास्ते पर वापस दोबारा आना संभव नहीं होगा. इसलिए पोएट कहता है कि हमें सोच समझकर ही अपने लाइफ के रास्तों को चूज़ करना चाहिए, ना कि उसकी आकर्षण को देखकर, क्योंकि आकर्षण में फंसकर हम अक्सर गलत पाथ को चूज़ कर लेते हैं. दिस इज़ द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम. आई शैल बी टेलिंग विद अ साय समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड I took the one less traveled by and that has made all the difference. तो कब with a sigh मतलब गहरी सांस लेना, ages and ages मत का मीनिंग होता है युगो 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 युगांतर तक. less traveled means होता है यात्रा के लिए कम उपयोग में लाई गई, और difference means होता है फ़र्क या अंतर. तो पोएट कहता है कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस. मैंने जो रास्ता आज के लिए चुना है वह मेरे फ्यूचर को डिसाइड करेगा कि मैं कल क्या बनूंगा. और फिर पोएट विद अ साय गहरी सांस लेते हुए कहता है कि कभी एजेस एंड एजेस यानी युगो युगो के बाद मैं ये बता रहा होऊंगा कि आई टुक द वन लेस ट्रैवल बाय, मैंने उस रास्ते को चुना जो कम से कम लोगों ने जिसे चुना था और कम से कम उपयोग किया गया था, यानी वो रास्ता चुनौतियों से भरा हुआ था, उसे मैंने चुना. एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने मेरे जीवन को इस मुकाम पर पहुंचाया, अर्थात मुझे सफल बनाया. तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से जब आपका करियर का टाइम आता है तो आपको भी अपने लिए एक सही रास्ता चुनना होता है, सही पाथ चुनना होता है, वही आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है. इन दिस पेज द समरी ऑफ द पोएम इज़ गिवन इन इंग्लिश. You can read this and understand the meaning of the poem on your own. That's all for today. We will do the exercises of this lesson in the next class.